टीम में वेस्ट इंडीजियन प्लेयर हो और पावर हिटिंग देखने को न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वर्षों वर्षों की कहानी है। आईपीएल में बहुत सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जो कि हर ही सीजन में धूम धड़ाका मचाते हैं, जैसे कि पोलार्ड, रसल, ब्रैबो, पूरन, सारे मतलब जमकर धुलाई करते हैं। वैसे ही आज के मैच यानी कि आरसीबी वर्सेस मुंबई के मैच में देखने को मिला, मुंबई के ओपनर मैथ्यूज ने आरसीबी को धो डाला, 202 के स्ट्राइक रन रेट पे 77 रन ठोक डाले। मतलब कि क्या ही खेलते हो दीदी। मैथ्यूज ने आरसीबी को बैटिंग में तो धोया ही और बॉलिंग में भी आरसीबी के 3 विकेट ले उड़े। WPL का नाम वुमेन प्रीमियर लीग से हटाकर वंडर प्रीमियर लीग रख देना चाहिए। यहाँ पे प्लेयर एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो चलिए इस मैच को देखते हैं। आरसीबी बैटिंग करने आई तो ओपनर मंधाना और डेवाइन सस्ते में निपट लिए। सबसे पहले डेवाइन 16 रन के स्कोर पे, उसके पीछे पीछे मंधाना भी 23 रन के स्कोर पर चलते बने। फिर तो आरसीबी के सारे विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। आखिर में ऋचा घोष के 28 रन और पाटिल के 23 रन के मदद से कैसे भी आरसीबी 155 रन तक पहुंच गया। ये टारगेट फाइट करने लायक था। ऐसा भी नहीं था कि इस टारगेट में बॉलर के लिए कुछ बचा ही ना हो। लेकिन जब मुंबई इंडियंस इसको चेस करने उतरी तो पावर प्ले में ही पता चल गया कि इस टारगेट में अब कुछ नहीं बचा है। मैथ्यूज ने मात्र 38 बॉल में 77 रन की पारी खेल डाली, जिसमें 13 चौके और एक छक्का भी मारा। इनके पार्टनर भाटिया तो 23 रन ही बना पाई, लेकिन मैथ्यूज ने ब्रंट के साथ मिलकर इस मैच को फिनिश किया। ब्रंट ने भी 29 बॉल में 55 रन की शानदार पारी खेली और आरसीबी को लगातार दूसरा हार थमा दिया। लगता है कि आरसीबी का WPL में भी दाल नहीं गलने वाला है। जैसा हाल IPL में है, वैसा ही हाल WPL में भी होगा। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।